क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म्स बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालना है, ठीक है। चलिए दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7। क्या कह रहे हैं कि 17 टर्म्स जो हैं वो क्या होगा, 10 टर्म्स से ज्यादा है, मतलब 10 टर्म प्लस 7 एक्सीड कर रहा है कितना, 10 टर्म्स बाय 7, 7 से 7 ज्यादा है 10 टर्म्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 17 इज इक्वल टू ए 10 प्लस 7। अगर 7 प्लस कर देंगे तो, क्योंकि ये ज्यादा है, अब इसे इधर प्लस कर दिया तो बराबर हो गया दोनों। अब इसको कैलकुलेशन करते हो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 7। तो ए 17 माइनस ए 10 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ए 17 को आप लिख सकते हैं ए प्लस 16 डी, ठीक है, माइनस ए 10 के लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी, ठीक है, इक्वल टू 7। तो ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7। डी ए खत्म हो गया। अब 16D में से 9D जाएगा तो कितना होगा, 7D इज इक्वल टू 7, तो D इज इक्वल टू 7 बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो D का वैल्यू कितना है, 1 है। ये पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। चले आगे, अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।